हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सी इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर प्लस टू कॉमर्स क्लास, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूनिट 7 डायरेक्टिंग एंड टॉपिक व्हाट इज डायरेक्टिंग। बेटा यूनिट 6 हम कंप्लीट कर चुके हैं, आई होप आपने उसको अच्छे से किया होगा। आज यूनिट 7 डायरेक्टिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्टाफिंग तक हमने क्या पढ़ा है, पहले प्लानिंग कर ली हमने, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग के बाद काम तो कौन संभालेगा, स्टाफिंग यानी व्यक्ति के द्वारा ही तो काम फुलफिल किया जाएगा। वर्क जो फुलफिल किया जाएगा वो केवल व्यक्ति के द्वारा ही किया जाएगा, क्योंकि वो एक्टिव मीन है। पैसिव मीन में मूवमेंट कौन लेकर आएगा, जब तक एक्टिव मीन नहीं होगा, वरना पैसिव मीन ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। तो एक्टिव मीन का होना जरूरी है ताकि वो पैसिव मीन यानी मेटीरियल इन सबके साथ काम करे और उसके थ्रू एक अच्छा प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्शन का कार्य करे उसमें, जिसमें यूटिलिटी हो, ताकि कंज्यूमर्स यूटिलिटी का क्या उठा सके, लाभ उठा सके, उसको सेटिस्फेक्शन मिले। तो ऐसे यूनिट 7 डायरेक्टिंग पर डायरेक्टिंग है। यूनिट 7 अब तक हमने स्टाफिंग पढ़ ली, व्यक्ति को लगा तो दिया, व्यक्ति को लगा तो दिया, लेकिन व्यक्ति को लगाने के बाद वो तब तक मूवमेंट नहीं करेगा जब तक कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, डायरेक्टिंग। यानी डायरेक्टिंग जो है जान लेकर आता है किसी भी पोस्ट पर जो व्यक्ति अपॉइंट हुआ है उसमें। जान मतलब कि उसे ये डायरेक्टिंग के माध्यम से ही उसे पता चलेगा कि उसे क्या करना है, कैसे करना है। कम्युनिकेट करेगा कोई व्यक्ति, उसे मोटिवेट करेगा, ठीक है। लीडरशिप की भावना यही उत्पन्न होती है डायरेक्टिंग में। उसको गाइड किया जाएगा, उसको कम्युनिकेट किया जाएगा, उसको इंस्पायर किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा, ताकि वो काम को अच्छे से करे, ठीक है। इट मीन्स व्यक्ति अपने 60% ही कैपेसिटी का प्रयोग करता है, 40% यूजलेस रह जाती है। तो ये 40% कब यूज होगी, जब हम उसको मोटिवेट करेंगे। मोटिवेट कब करेंगे, जब हम उसको नीड का पता होगा, उसे क्या जरूरत है। तो डायरेक्टिंग में यही किया जाता है, सबका पता लगाया जाता है और व्यक्ति को फिर मोटिवेट किया जाता है। अगर हम पीछे तक देखें फंक्शन तक, स्टाफिंग जो है यहाँ व्यक्ति को लगा तो दिया जाता है, लेकिन उसमें जो मूवमेंट है वो मूवमेंट कौन लेकर आता है, डायरेक्टिंग। जब तक डायरेक्टिंग नहीं की जाएगी, ये नहीं बताया जाएगा भाई आपको कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, ये तरीका कुछ नहीं बताया जाएगा, तब तक व्यक्ति ह्यूमन रिसोर्सेस का अच्छा प्रयोग नहीं हो पाएगा। व्यक्ति सिर्फ पोस्ट पर आएगा, आगे करना क्या है, किस तरीके से करना है, किस मेथड से यूज करना है, कौन उसका कौन सी चेन को फॉलो करना है, ये सब किसके माध्यम से बताया जाएगा, डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग बेटा अब जो हम कर रहे हैं वो डायरेक्टिंग, ये तो मैं टीचिंग कर रही हूँ, ये क्या है डायरेक्टिंग, आप पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ये क्या है डायरेक्टिंग है। स्टाफिंग जिसमें मुझे पोस्ट दे दी गई थी, जी मुझे स्टडी पढ़ाना है, आपको आपकी स्थान दे दिए गए, जी आपकी प्लस टू, आपको यहाँ बैठना है, लेकिन स्टाफिंग तो हो गई। मूवमेंट कब आएगा, जब हमें ये पता होगा हमने कराना क्या है, और आपको पता होगा आपको क्या करना है। तो ये सब डायरेक्टिंग, अभी सब डायरेक्टिंग ही चल रही है, जिसमें हम सुपरविजन भी करते हैं, देख रेख भी करते हैं कि व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है, आपसे आपस में कम्युनिकेट भी करते हैं, आपके साथ लीडरशिप की भावना भी उत्पन्न करते हैं, आपको एक लीडर के रूप में अच्छे से समझाते भी हैं, आपके फायदे के बारे में आपको टाइम टाइम पर बताते रहते हैं, इंस्पायर भी करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं आप भविष्य में कुछ अच्छा करने के लिए। तो ये सब किसके कार्य है, डायरेक्टिंग के। तो डायरेक्टिंग एक जो बाकी जो हमारे फर्स्ट 3 फंक्शन है स्टाफिंग तक, उसके बाद जो अगर मूवमेंट लेकर आता है तो कौन है वो, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग यानी एक संस्था में मूवमेंट लेकर आता है, मूवमेंट लाने का काम कौन करता है, डायरेक्टिंग करता है। तो चलिए देखते हैं मीनिंग क्या है डायरेक्टिंग का। इट रिफर टू इंस्ट्रक्टिंग, इसका अभिप्राय इंस्ट्रक्शन देना है, निर्देश देना है, भाई क्या करना है, किस तरीके से करना, सब कुछ आपको बताना है संस्था में आने के बाद। गाइडिंग, क्या करना है, गाइड करना है, गाइड यानी तरीका, भाई आपको इंस्ट्रक्शन तो दे दिया कि आपको किस तरीके से करना है, आपको स्थान तो दे दिया, स्थान देने के बाद अपॉइंट करने के बाद फिर आपको बताया जाता है क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो डायरेक्टिंग का पार्ट शुरू हो जाता है जब आप इस पोस्ट पर आ जाते हैं। तो इंस्ट्रक्शन देने के बाद निर्देश दे दिए जाते हैं, आपको बता दिया जाता है क्या करना है, कैसे करना है, फिर मैटर कुछ तरीके भी बताए जाते हैं किस तरीके से आपको अपने कार्यों को फुलफिल करना है। इसके अलावा कम्युनिकेट किया जाता है, आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं, आप प्रॉब्लम भी बता सकते हैं, ये सब और कुछ नहीं डायरेक्टिंग ही है।
डायरेक्टिंग में ही तो सुपरविजन चलता है, देखा जाता है कि आप कार्य कैसे चल कर रहे हैं, कार्य अगर सही नहीं कर रहे, टाइम पर नहीं हो रहा तो फिर पूछा भी जाता है भाई ऐसे क्या रीजन है, फिर यानी पूछे जा रहा है, कम्युनिकेट किया जा रहा है, आपसे रीजन पूछे जा रहे हैं, फिर आपका सोल्यूशन भी किया जा रहा है, सब कम्युनिकेशन का ही माध्यम है। इसके अलावा इंस्पायरिंग, व्यक्ति जो बढ़िया काम कर रहा है उसको इंस्पायर भी किया जाता है, नहीं भी काम कर रहा अच्छे से तब भी उसको इंस्पायर किया जाता है, ताकि वो जो अपनी कैपेसिटी है, जो रेस्ट कैपेसिटी है जिसका उपयोग नहीं कर पा रहा है उसका अच्छे से उपयोग किया जा सके। तो ये सभी मिला के क्या बनती है, डायरेक्टिंग। ये सब मिला के क्या बनती है, डायरेक्टिंग। तो बेटा डायरेक्टिंग के एलिमेंट भी है, डायरेक्टिंग के एलिमेंट क्या है, फोर एलिमेंट है, जिसमें बेटा लीडरशिप भी आती है, कम्युनिकेटिंग भी आता है, कम्युनिकेशन भी आता है, सुपरविजन भी आता है, जिनके माध्यम से व्यक्तियों को क्या किया जाता है, मोटिवेशन भी आता है। तो ये सारे चारों एलिमेंट मिलकर क्या बनता है, डायरेक्टिंग को फुलफिल करते हैं। तो बेटा डायरेक्टिंग में क्या क्या आता है, सुपरविजन आता है, ठीक है, सुपरविजन आता है, कम्युनिकेशन आता है, ठीक है, लीडरशिप आती है, ठीक है, इसके अलावा मोटिवेशन आता है। ये सारे चार वर्ड मिलकर क्या बनाते हैं, डायरेक्टिंग। बेटा इंस्पायर, इंस्पायर मोटिवेट कौन करता है, बेटा लीडर मोटिवेट करता है, लीडर होना जरूरी है, इंस्पायर ये मोटिवेशन में आ जाएगा, ठीक है, आपको प्रेरित किया जाता है। मोटिवेट कौन करता है, लीडर आपसे कम्युनिकेट करते हैं, लीडर ही आपको बताता है, आपको बता के मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, आपको गाइड भी करता है, कम्युनिकेशन भी किया जाता है बेटा, ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं, ये सारे ही सर्कल चलता रहता है। लीडर ही कम्युनिकेट करता है आपस में, आपको गाइड भी करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, सुपरविजन है, सुपरविजन मीन्स जो सुपरवाइजर है आके देखता है आप क्या काम कर रहे हैं, आपको इंस्ट्रक्शन देके जाता है, इस काम को ये करना है, आज आपको ये करना है, और कुछ नहीं, ये सब क्या कहलाई जाती है, डायरेक्टिंग कहलाई जाती है। तो चलिए अब डायरेक्टिंग के फीचर आ जाते हैं। तो बेटा फिर मीनिंग बात क्लियर कर देती हूँ डायरेक्टिंग का, बेटा एक मीनिंग आपको जरूर याद होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन है, गाइड करना है, कम्युनिकेट करना है, इंस्पायर करना है व्यक्ति को इन दी ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबसे पहले फीचर क्या है, इसके फीचर है डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। डायरेक्टिंग क्या है, इनिशिएट एक्शन है, यानी पहल क्षमता का एक्शन है। पहल क्षमता का एक्शन कैसे, ये पहल क्षमता उत्पन्न करता है बेटा, स्टाफिंग तक व्यक्ति अभी तक एक्टिव नहीं होगा, स्टाफिंग पर व्यक्ति केवल लगा दिया जाएगा, एक्टिव कब होगा, जब उसको तो बताया जाएगा भाई क्या काम करना है, कैसे मेथड से करना है, उसको इंस्पायर किया जाएगा। तो इसलिए इनिशिएट एक्शन है, यानी शुरुआत वाला एक्शन यही है, शुरुआत यहीं से होती है, बाकी जो सारे फंक्शन है स्टाफिंग तक वो केवल एक ग्राउंड प्रदान करते हैं, लेकिन उस पर खेलना, खेलेंगे किस तरीके से वो कौन बताता है, डायरेक्टिंग, ठीक है बेटा। स्टाफिंग तक केवल आपको एक ग्राउंड मिल जाता है, वो एक ग्राउंड दे देते हैं जहां पर आपको जाना है, जाने के बाद करना क्या है वो कौन परफॉर्म करता है, डायरेक्टिंग, ठीक है। प्लेयर को उसका स्थान दे दिया गया, प्लेयर ठीक है उसको स्थान दे दिया गया, वो सिलेक्ट हो गया, वो स्टाफिंग या उसको करना क्या है, जहां भी सिलेक्शन हुआ उसको वहां करना क्या है, उसकी पोजीशन क्या होगी, वो सब किस में आएगा, डायरेक्टिंग में। तो इसलिए इनिशिएट एक्शन है, इट टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो डायरेक्टिंग है हर लेवल पर चलता है, चाहे टॉप है, मिडल है, लोअर है, हर जगह डायरेक्टिंग चलता है, हर जगह इंस्पायर किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, गाइड किया जाता है, ठीक है। तो टॉप लेवल जो है मिडल को गाइड करता रहता है, कम्युनिकेट करता रहता है, मिडल किससे कम्युनिकेट करता है, लोअर से करता रहता है, और सुपरवाइजरी लेवल लेबर से करता रहता है। तो ये सब सारे ही लेवल पर चलता है, और नॉन मैनेजरियल लेवल पर भी जो है मीन सुपरविजन का कार्य सुपरवाइजर करता है, किस पर, वर्कर पर। इसके बाद आता है इट इज कॉन्टिन्यू प्रोसेस, ये तो बेटा सब में कॉमन है, जो भी फंक्शन आएगा सब में आपको लिखना है कॉन्टिन्यू प्रोसेस है, डायरेक्टिंग ऐसा फंक्शन नहीं है, एक बार किया और खत्म। बेटा बार बार इंस्पायर करने की जरूरत है, बार बार कम्युनिकेट करने की जरूरत है, बार बार गाइड करने की जरूरत है, इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत है। इट फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बेटा फ्लो होता है टॉप से बॉटम की ओर, टॉप लेवल मिडल लेवल को इंस्ट्रक्ट करेगा, मिडल लेवल लोअर लेवल को, लोअर लेवल किसको करेगा, नॉन मैनेजरियल लेवल यानी लेबर के साथ बातचीत करेगा, उसको इंस्पायर करेगा अच्छा काम करने के लिए, उनकी समस्या को भी सुनेगा, जैसे कि आपने फंक्शन में पढ़ा था, अच्छी व्यवस्था भी प्रदान करेगा, अच्छा वातावरण प्रदान करने की कोशिश करेगा, उनकी सेफ्टी को भी ध्यान में रखेगा, कौन, लोअर लेवल, नॉन मैनेजरियल लेवल। तो ये है बेटा इसके फीचर, जो मीनिंग से इंडिकेट है, डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन है, ये हर एक लेवल पर चलता है, ये कंटिन्यू है, और इसके अलावा टॉप से स्टार्ट होकर बॉटम तक ये चलता है। अब आता है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस बेटा इम्पोर्टेंट है, आ जाते हैं कई बार,
तो डायरेक्टिंग की इम्पोर्टेंस है, इट इनिशिएट एक्शन बेटा, यही जैसे कि यहां था सेम, ये जो बाकी जो फंक्शन है ऑर्गेनाइज प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, वो ग्राउंड ही प्रदान करते हैं, लेकिन उस पर खेलना किस तरीके से कार्य करना है, एक्शन कैसे लिया जाए वो कौन बताता है, केवल डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग इसलिए इनिशिएट एक्शन है। इसके बाद आता है सॉरी, इट इंटीग्रेट एम्प्लॉई एफर्ट। ये क्या करता है बेटा, इंटीग्रेट करता है एम्प्लॉई के एफर्ट को। इसी में डायरेक्टिंग में ही होता है बेटा, आपको कम्युनिकेट किया जाता है, आपको समझाया जाता है, इंस्पायर किया जाता है ये, क्योंकि इसके बाद तो बेटा कंट्रोलिंग आ जाती है। तो डायरेक्टिंग में ही कहा जाता है कि एक डिपार्टमेंट समझाया जाता है, लीडर ही समझाएगा, लीडरशिप की भावना उत्पन्न करके, एक मैनेजर लीडर बनकर, ठीक है, क्यों ये लीडर में बाकी बताएंगे बेटा, सारे मैनेजर लीडर होते लेकिन सारे लीडर मैनेजर नहीं होते, क्योंकि मैनेजर को लीडर बनना जरूरी है, ताकि लीडर वो होता है जो उन लेबर में से ही एक होता है, ठीक है, लेबर है, लेबर का लीडर है तो लेबर में से ही एक है जो उनकी पर्सनल फाइल को ध्यान अच्छे से समझता है। तो सारे मैनेजर लीडर होते हैं लेकिन सारे लीडर मैनेजर नहीं होते, क्योंकि लीडर लेबर भी होता है, तो मैनेजर तो नहीं होता, मैनेजर लेवल पर तो नहीं है। इट इंटीग्रेट एम्प्लॉई एफर्ट, ये इंटीग्रेट करता है क्या, एम्प्लॉई के एफर्ट को इंटीग्रेट करता है, इंटीग्रेट यानी जोड़ता है। ये बताता है कि एक डिपार्टमेंट कैसे दूसरे डिपार्टमेंट पर निर्भर है, किस तरीके से उनको एक साथ काम करना चाहिए, और उनके कार्यों में एकता लेकर आता है डायरेक्टिंग, ठीक है। डायरेक्टिंग में कोई एक कार्य नहीं, ये कई एक्टिविटी का फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, जिसमें सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन, ये सब कुछ शामिल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, कहीं भी आप मॉल में गए हैं, तो वहां पर किसी शॉप पर गए हैं, तो शुरू में पहला जो एम्प्लॉई खड़ा होता है वो आपसे क्या कहता है, गुड मॉर्निंग सर मैडम जो भी है। फिर जैसे ही आप एंटर करते हैं, पहला पर्सन हो गया, पहला पर्सन के बाद जब एंटर करते हैं दूसरा पर्सन क्या करेगा, आपको प्रोडक्ट शो करेगा। तीसरा क्या करेगा, जैसे ही आपने पसंद कर लिया, तीसरा क्या करेगा, उसकी पैकिंग का कार्य करेगा। चौथा क्या करेगा, उसका बिल बनाएगा। पांचवा क्या करेगा बेटा, पांचवा जब आप बिल बनाने के बाद आप उसको ले लेंगे, आप बाहर की ओर जाएंगे, दूसरे गेट की ओर, ठीक है, तो वो आपसे क्या कहेगा, गुड बाय। अगर मान लीजिए इनमें से किसी ने भी ढंग से परफॉर्मेंस नहीं दी, इसने ठीक है गुड मॉर्निंग कह दिया, इसने प्रोडक्ट दिखा दिया, इसने पैकिंग कर दी, इसने बिल बना दिया, अब किसी ने भी अगर कुछ कार्य ढंग से परफॉर्म नहीं किया, मान लीजिए प्रोडक्ट दिखाने का कार्य ढंग से परफॉर्म नहीं किया गया, ठीक है, अगर प्रोडक्ट दिखाने का कार्य जो था वो उसने व्यक्ति ने सही से परफॉर्म नहीं किया, तो बाकी सारे जो अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं सारी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। गुड मॉर्निंग कहना बेकार, गुड बाय वाला तो गुड बाय तो कहेगा, लेकिन व्यक्ति ने कुछ खरीदा तो है नहीं, फिर भी एक तरीके से गुड बाय उसके लिए वो किस लिए खड़ा किया गया था, ताकि व्यक्ति जब एंटर करता है तो कुछ ना कुछ व्यक्ति खरीद के लेकर जाए, तो कहीं ना कहीं उसका भी ये भी इसका जो गुड बाय कह रहा है, कहीं ना कहीं इसके माइंड में भी होता है कि व्यक्ति जो एग्जिट हो रहा है वो कुछ ना कुछ खरीद कर लेकर जा रहा है। तो अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति अपने कार्य को सही से परफॉर्म नहीं करेगा तो दूसरे पर क्या पड़ेगा इफेक्ट, तो ये ऐसा नहीं हो, इसके लिए क्या यूज किया जाता है, डायरेक्टिंग। इट इज मीन ऑफ मोटिवेशन, बेटा ये मोटिवेशन का मीन है, इसके अंतर्गत मोटिवेट किया जाता है व्यक्तियों को कि अच्छे से कार्य करें, उनके नीड का पता लगाया जाता है, फिर मोटिवेट किया जाता है कि अगर वो अच्छे से कार्य करेंगे, मेथड बता दिया, इंस्पायर किया जाता है कि उनको अगर अच्छे से कार्य करेंगे तो प्रमोशन मिलेगा, इस तरीके से मोटिवेट किया जाता है डायरेक्टली, इसलिए माध्यम है मोटिवेशन का। इट फैसिलिटी इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस, बेटा चेंजेस को एक्सेप्ट करने में सहायता करता है, देखा जाता है जनरली कि चेंजेस समय होते रहते हैं क्योंकि बाहरी एनवायरमेंट चेंज होता रहता है। अब चेंजेस का हर व्यक्ति विरोध करता है, चेंजेस का हर व्यक्ति क्या करता है, विरोध करता है चेंजेस का। तो अब वो चेंजेस का जब व्यक्ति विरोध करेगा तो फिर कैसे हम उसको विरोध को दूर करेंगे, उनको समझा के, उनके साथ कम्युनिकेट, बातचीत करके, उनको इंस्पायर करके, उनको इस चेंजेस के बेनिफिट के बारे में बताकर कि चेंजेस जब आप एक्सेप्ट करोगे तो आपको ही फायदा होगा, आपकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगा, इस तरीके से बोलकर, इस तरीके से समझाकर, इंस्पायर करके, कम्युनिकेट करके, तो डायरेक्टिंग करके व्यक्ति को चेंजेस, व्यक्ति को समझाया जाता है कि वो एक्सेप्ट करे चेंजेस। जैसे मान लीजिए कि टाइपराइटर पर व्यक्ति काम कर रहा है, अब कंप्यूटर बेस होने वाली है संस्था, वो विरोध करने लग जाते हैं, जी नहीं हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर संस्था क्या करती है, उनको समझाती है कि आप इनको एक्सेप्ट कीजिए चेंजेस को, इससे आपकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी, संस्था को भी प्रॉफिट होगा, बदले में हम आपको ट्रेनिंग देंगे ना, ट्रेनिंग देंगे समझाकर। इट क्रिएट बैलेंस, ही बैलेंस बनाए रखता है। बैलेंस बेटा दो में झगड़े चलते रहते हैं, आपको पता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, तो ये दोनों में डायरेक्टिंग जो है क्या बना रखता है, बैलेंस बनाए रखता है। मान लीजिए
की संस्था ने क्या कहा है, संस्था ने टारगेट फिक्स की है कि आपको सेल्स करनी है, मान लीजिए 1000 जो है पर यूनिट सेल्स कर आनी है, ठीक है। ये तो संस्था का ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव था ताकि ज्यादा इसको सेल करके संस्था प्रॉफिट कमा सके। लेकिन जो सेल्समैन है, सेल्समैन क्या कह रहे हैं कि भाई बिक्री करने के लिए हमें थोड़ा सा अधिकार दीजिए कि अगर हम बिक्री करें, टारगेट तो फिक्स कर दिया, सेल्स करने के लिए हमें थोड़ा अधिकार दीजिए कि हम कुछ स्कीम जारी कर सके। मान लीजिए बाय टू गेट वन फ्री की सुविधा हम दे सके, वो सेल्स मैनेजर कह रहा है, ठीक है। तो फिर सेल्स मैनेजर या सेल्स एग्जीक्यूटिव कुछ भी कहिए, तो मान ली तो इसकी बातों को नहीं माना जाएगा टॉप लेवल द्वारा। इससे क्या होते हैं, झगड़े उत्पन्न हो जाएंगे। ये कह रहा है ऐसा करना चाहता हूं, टॉप लेवल कह रहा है जी ऐसा नहीं करना, तो इससे इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाएंगे, झगड़े। इसको फिर दूर कैसे किया जाता है, डायरेक्टिंग के माध्यम से। फिर टॉप लेवल और ये दोनों आपस में बातचीत करेंगे, फिर एक दूसरा डिस्कशन करके जो है तरीका निकालेंगे, ऐसा मेथड निकालेंगे जिससे सेल्स इंक्रीज हो सके। तो मेथड निकाला जाएगा कि अगर ज्यादा सेल करनी है तो सेल्स एग्जीक्यूटिव एक और भी ऑप्शन दे देगा कि हम आफ्टर सेल सर्विसेज दे दे, कुछ क्रेडिट सेल्स दे दे, और टॉप लेवल इसको मान जाएगा। इस प्रकार इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में झगड़ा क्या हो जाएगा, खत्म। और केवल किसके थ्रू पॉसिबल होगा, डायरेक्टिंग के थ्रू। ओके बेटा, आई होप टॉपिक समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ ही सकते हैं। ओके।